मैं हूँ विवेक, आपका अपना नैरेटर, और ये है बाकी हानमा द स्ट्रॉन्गेस्ट फादर सन क्विरल आर्क का एपिसोड नंबर 38। तो यार, जैसे कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि फाइनली बाकी अपना स्ट्रॉन्गेस्ट पंच मारा था योजिरो हानमा को, खैर उसके बाद क्या हुआ यही देखेंगे ना आज के एपिसोड में। अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कर लो। साथ ही साथ आप लोग को बता दूं कि इंस्टाग्राम अकाउंट बना लिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाकर फॉलो कर लेना और वेलकम पोस्ट भी देख लेना। तो इसी के साथ लेट्स रोल द इंट्रो। एपिसोड नंबर 38 की शुरुआत में हम देखते हैं कि यहाँ पर लिटरली बाकी घुमा घुमा कर एकदम मतलब छेद करते करते मार रहा होता है योजिरो के पेट में अपना पंच, एकदम घुमा कर गट में घुसा देता है। और इस पंच के इंपैक्ट को योजिरो सच में काफी एंजॉय कर रहे होते हैं, देखकर ही लग रहा होता है यार, बहुत अच्छे से बहुत जोर जोर से पंच मारे जा रहा होता है बाकी योजिरो को। और दोनों की फीलिंग्स को हम आसानी से समझ सकते हैं, कितना एंजॉय कर रहे हैं दोनों के दोनों एकदम। यहाँ पर बाकी एकदम खुश है, योजिरो भी एकदम खुश है, साथ ही साथ बाकी टेस्टोस्टेरोन एकदम टॉप लेवल पर जा चुका होता है, लिटरली ऑरा दिखने लगता है। वो डोमिनेटिंग ऑरा जो कि हमेशा योजिरो में हमने देखा है, वो फाइनली बाकी भी यहाँ पर अनलॉक कर लेता है और एकदम इजी पीजी मैच लड़ रहे होते हैं ये लोग। और इसी बीच योजिरो बाकी से कहते हैं, सच में मुझे काफी मजा आ रहा है, मैं बोर होने लगा था पर अब ऐसा नहीं है, मैं हमेशा से ही एंटरटेन होना चाहता था। इस दुनिया में इतने सारे लोग हैं अलग अलग तरह के, कोई भी मुझे एंटरटेन नहीं कर पाया, यहाँ तक कि मिलिट्री वाले भी नहीं, उनके खिलौने भी नहीं, लेकिन तुम बाकी सच में अलग हो। मुझे खुशी है कि आपको भी मजा आ रहा है मेरी तरह। खैर, बाकी से ये सब कहने के बाद, बाकी का जवाब सुनने के बाद योजिरो सोचने लगते हैं कि जरा देखो इस लड़के को, ये मुझसे ही निकला है, ये मुझसे ही आया है और फाइनली ये मेरे लिए ही काम कर रहा है। मेरा बेटा सच में काफी गजब का है, उसके हाथ तलवार की तरह शार्प तथा गोलियों की तरह तेज है और उसकी वो स्नाइपर जैसी नजर। खैर, योजिरो जो है ये सब बातें मन में सोच रहे होते हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं कि बाकी कुछ कहता है। आप मुझे एक एंजल की तरह जेंटल और एक बहुत अच्छे दिन की तरह स्वीट भी कह सकते हैं। यार, यहाँ पर गौर करो, बागी ने लिटरली योजिरो के मन की बात का जवाब दिया होता है। इसका मतलब इन दोनों का कनेक्शन इतना स्ट्रांग हो चुका है कि मतलब क्या ही कहे, बागी लिटरली सुन पा रहा है योजिरो के मन की बात को। और यहाँ पर आप प्रधानमंत्री के मन की बात को नहीं सुनते। मेरे मन की बात को कह रहे हो? मैं समझ रहा हूँ, साथ ही साथ आप ये भी सोच रहे हैं कि आपको एक नया टॉय मिल गया हो, मजा आ रहा है ना उससे खेलने में। खैर, दोनों बाप बेटे यहाँ पर प्यारी प्यारी बातें कर ही रहे होते हैं, लेकिन तभी उनके बीच कोई आ जाता है और बाकी जैसे ही पलट कर देखता है तो वो बेवफा कोजुए होती है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? यार, मैं सच बता रहा हूँ, इस लड़की से मुझे इतना पर्सनली दिक्कत है ना कि मैं इसकी आवाज तक को अभी डब नहीं करूंगा, ऐसे नॉर्मली बताऊंगा, वैसे ही बता रहा हूँ, बेवफा है ये। कमेंट में लिख देना बेवफा कोजुए, हमारे बाकी भाई को धोखा देती है साली। खैर, यहाँ पर आकर ये औरत कहती है दोनों स्ट्रॉन्गेस्ट क्रीचर से कि जरा देखो दोनों स्ट्रॉन्गेस्ट क्रीचर लड़ रहे हैं, ओ इतना काफी होगा ना, अब बस करो यार, फाइट रुकवाने आई है लिटरली। उसके बाद वो उनसे कहती है कि तुम लोग बहुत लड़ चुके, अब बस करना चाहिए तुम्हें। खैर, अगर तुम लोग ना लड़ना चाहो तो ना लड़ो, और अगर लड़ना चाहो तो तुम लोग कंटिन्यू कर सकते हो, लेकिन एक दूसरे से फ्लर्ट करना छोड़ दो। तुम लोग एक दूसरे से फ्लर्ट करने लगे हो, इसलिए मैं यहाँ पर आई ये सब रोकने के लिए। भाई माँ की कसम यार, यहाँ पर थोड़ा फ्लर्ट देख लिया इसने योजिरो और बाकी के बीच, तो यहाँ पर ये उसे रोकने चले आई, ये योजिरो से जल रही है। और ये सुनकर बाकी एकदम खुश हो जाता है, अरे यार ये लड़का सही में, लड़के ना चूतिया ही होते हैं, लड़कियों के पीछे पड़ ही जाते हैं, लास्ट में दो मीठी बातें क्या कर दी, एकदम बह जाते हैं उसके पीछे, इसको दिखाओ यार, बताओ इसको किस तरीके से इसने चीट किया था। इसके बाद ये बेवफा औरत कहने लगती है कि तुम लोग लड़ते लड़ते अब फाइट नहीं कर रहे हो, ये कुछ और ही बन चुका है, ये फाइट नहीं है। इसके बाद हमारे बाकी भैया थोड़ा सा सोचकर जवाब देते हैं कि जो भी तुम देख रही हो, जो भी तुम सोच रहे हो, तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू से सही हो सकता है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, हम दोनों रियल फाइट कर रहे हैं। उसके बाद वो एकदम शांति से बाकी को देख करके अपने नीले नीले झील से आंखों में डुबाने की कोशिश करती है। मन के बहकावे में ना मन राह बुलाए वश में डाले, तू इस मन का दास न बन, इस मन को अपना दास बना ले। इस कविता को याद करते हुए बाकी कोजवे से कह देता है, ये मेरे और मेरे फादर की बीच की फाइट है, यहाँ पर सिर्फ हम दोनों ही हैं और कोई नहीं, और अगर जो हम कर रहे हैं वो तुम्हें गलत लगता है तो मैं कुछ नहीं कर सकता इसमें, और हाँ अगर तुम्हें ये फ्लर्टिंग लग रही है तो हाँ
ये फ्लर्टिंग है। और यहाँ पर एकदम सैवेज रिप्लाई दे दिया होता है बाकी ने कोजुए को, उसका मुंह बंद हो जाता है यार। और दोनों बाप बेटे साथ में कितने अच्छे लग रहे हैं जरा देखो, इसीलिए तो थंबनेल बनाया यार। तभी बाकी कोजुए को समझाता है कि मैंने जो भी मेहनत की आज तक से तुमने देखी है, साथ ही साथ जो भी मैंने सीखा है वो सब, जो भी टेक्निक जो भी मूव हो वो आज मैं यूज कर रहा हूँ अपने फादर के ऊपर। वो मैं क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मैं अपने फादर से लड़ रहा हूँ इस वक्त, तो वो सब फाइनली यूज में आ रही हैं और मुझे काफी अच्छा लग रहा है ये करके। मैं फाइनली अपने सारे वेपन्स यूज कर पा रहा हूँ, मैं फाइनली जो भी सीखा हुआ यहाँ पर दिखा पा रहा हूँ। तो यहाँ पर बाकी अपने दिल की बात किए जा रहा होता और बेवफा कोजुए मुंह बना बना कर उसे सुन रही होती है। और यहाँ पर योजुरो भी अब धीरे धीरे गर्माने लग गए होते हैं और बाकी तो शांत देने का नाम ही नहीं रहा होता। उसी बीच अचानक से वो एक हाथ मार देते हैं बाकी को, बाकी लेकिन तुरंत ही उसे डॉच कर लेता है। और यहाँ पर दोबारा से दोनों के बीच माहौल गर्मा जाता है और योजुरो पूरी ताकत से आगे बढ़ने लगते हैं बाकी को मारने के लिए। और यहाँ पर बाकी भी छलांग लगा लगा कर उनका अटैक से बचे जा रहा होता है। कोई फायदा नहीं होता, जितना जोर से मारे योजुरो वो बस बच जा रहा होता है। लेकिन तभी अचानक से वो एक घूंसा मारने वाले होते हैं उसे, उतने में ही बाकी उस घूंसे को अपनी दो उंगली से पकड़ लेता है और योजुरो को लिटरली चक्री की तरह घुमा देता है, गोल घुमा देता है द वर्ल्ड स्ट्रांगेस्ट क्रीचर को दो उंगली के बल पर। लेकिन अचानक से इमीडियर में पलट कर योजुरो इतना जोर से लात मार देते हैं यार बाकी को, लिटरली उसका पैर धस जाता है। लेकिन बाकी ये पूरा का पूरा अटैक सह गया होता है, पूरा का पूरा रोक लिया होता है, भले ही इम्पैक्ट उसे महसूस हो रहा हो, समझ में आ रहा है देख कर के बाकी को इम्पैक्ट महसूस हुआ है। खैर योजुरो आराम से लैंड करते हैं और अब दोनों बाप बेटे फाइनली एक दूसरे की तरफ देखते हैं और शुरू करते हैं असली मजा।